लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018। अ पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिफ्रेक्शन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज देन क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्लिट है और थोड़ी डिस्टेंस पर, लार्ज डिस्टेंस पर हमने किसी स्क्रीन को प्लेस किया हुआ है। तो जब यहाँ पर इस सिंगल स्लिट और इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव होगी या इलेक्ट्रॉन जब वेव ट्रेवल करेंगे तो वो बेंड हो सकती है जब वो ऑब्स्टिकल से टकराएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की हम स्पीड में चेंज कर देंगे तो क्या होगा। देखो स्पीड में हम इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड को, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो डिफ्रेक्शन पैटर्न विल नॉट बी ऑब्जर्व, तो ऐसा नहीं कि डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिफ्रेक्शन पैटर्न आएगा अगर आप स्लिट्स को पास करवा रहे हो तो ये तो ऑप्शन गलत है। बाकी सब ऑप्शन में अगर आप देखो तो एंगुलर विड्थ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, कि कॉन्स्टेंट होगी मतलब अनअफेक्टेड होगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। तो काम करते हैं, पहले समझते हैं कि एंगुलर विड्थ स्पीड पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। तो देखो जो सेंटर जो एंगुलर विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यानी कि जो एंगुलर विड्थ है वो डायरेक्टली वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अब जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, हमें पता है फॉर्मूला, वेवलेंथ मोमेंटम पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, तो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू में वेलोसिटी। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन्स की आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो उसका हम एक मान के चले कि मास चेंज नहीं हो रहा है, तो जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो स्पीड है पार्टिकल की उनको इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो जो वेवलेंथ होगी वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो थीटा होगा मतलब एंगुलर विड्थ वो भी डिक्रीज करेगी। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा जिसमें एंगुलर विड्थ डिक्रीज कर रही हो, तो वो है ऑप्शन सी में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न विल डिक्रीज। आई होप कि जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स 2018 में सब आपको समझ में आए होंगे। हमने केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017 और 2018 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आप दोनों की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक अलग वीडियो होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करवाया जाएगा। थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।